आई नो आप वही लड़की है ना जिसको पीरियड के ब्लड का स्टेन लग जाता है, कभी जीन्स पे, कभी बेडशीट पे, कभी सोफे पे, कभी चेयर पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो डोंट वरी गर्ल्स, आप अकेली ऐसी नहीं है जिसके साथ ऐसा होता है। मोस्टली 90%, यहाँ तक कि बोले कि 99% लड़कियों के साथ ऐसा होता ही है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसके साथ कभी भी ऐसा ना हुआ हो कि उसको पीरियड के ब्लड का स्टेन ना लगा हो, जीन्स पे, बेडशीट पे, या जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं उन पे कभी कभी स्टेन लग जाता है। लेकिन अगर आज की वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो आप उन लड़कियों में से एक होने वाली हैं जिनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा या फिर आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी और मैं हूँ शिवी। गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, ब्यूटी टिप्स एंड ढेर सारी गर्ल्स टॉक रिलेटेड वीडियोज़। सो अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है शिवी ब्लॉग्स नेम से। अगर आपको व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है या फिर आप मेरे डेली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कौन सा वो ट्रिक है जिसको फॉलो करके आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो मैं ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या आपको पता है कि आप पीरियड्स के टाइम पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर नहीं, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने पीरियड्स के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं जो कपड़े से, पैड से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। सो इन डिटेल तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, इन शॉर्ट बता देती हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो सबसे पहला है कपड़ा, जिसको बहुत पहले यूज़ किया जाता था और अभी भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। लाइक हमारी मम्मियाँ हो गई तो वो कपड़ा यूज़ करना ही प्रेफर करती हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कपड़ा। और कपड़ा सेफ़ है, अगर आपको ये लगता है ना कि कपड़ा सेफ़ नहीं है तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये कपड़ा सेफ़ नहीं है। कपड़ा सेफ़ है लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होता है। सो इसीलिए सबसे पहले तो हो गया कपड़ा, उसके बाद आते हैं पैड्स लाइक दिस। सो उसके बाद आते हैं पैड्स जिनको मोस्टली गर्ल्स यूज़ करती हैं और मैं भी इनको ही यूज़ करती थी लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। लगभग 3-4 साल से मैंने पैड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है सच में। और मुझे पैड अभी यूज़ करना पड़ा क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है। सो मैं आपको आगे बताऊंगी या फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी इसलिए। और फिर हो गया पैड, उसके बाद आता है टैम्पॉन, जिसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक इन डिटेल वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, सो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल कप, जिसको मैं यूज़ करती हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेंस्ट्रुअल कप जो कि कुछ इस तरीके का होता है, लुक एट दिस। सो मैं पीरियड्स के टाइम में इसको यूज़ करती हूँ और जब से मैंने इसको यूज़ किया है मैंने अपने फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को, कई सारे लोगों को ये रिकमेंड किया है और उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। मेरी तरफ से मेंस्ट्रुअल कप बेस्ट होता है पीरियड्स के लिए। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपको पीरियड्स आए हुए हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगी क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत लंबा खींचना नहीं चाहती हूँ। तो इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर आप कहेंगे तो। अभी हम इसको रख देते हैं साइड और हम बात करते हैं कैसे आप अगर पैड का यूज़ कर रही हैं या कपड़े का यूज़ कर रही हैं तो कैसे आप स्टेन लगने से बच सकती हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी आपने पीरियड्स आए हुए रहते हैं ना, आपने क्या करना है, आपने पहननी है लाइट कलर की पैंटी। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि कितनी बुद्धू हैं, हमें लाइट पैंटी पहनने के लिए बोल रही हैं, अगर हम डार्क पैंटी पहनेंगे तो स्टेन का पता भी नहीं लगेगा। फिर यही तो आप गलती करते हैं, आप अगर डार्क पैंटी पहनते हैं और आपको पता नहीं लगता है कि कब आपका स्टेन आपके कपड़ों पर लग गया है तो वो धीरे धीरे करके आपका ट्राउज़र है, आपका जीन्स है, जो भी है उस पर आ जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है। लेकिन अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, लाइट कलर की पैंटी पहनेंगे तो आपने क्या करना है पता है, अंदर लाइट कलर की पैंटी पहननी है, ऊपर से डार्क कलर का जीन्स या लोवर जो भी आप पहन रहे हैं वो आपने डार्क पहनना है लेकिन पैंटी आपने लाइट ही पहननी है। तो इससे होगा ये कि जब आप लाइट कलर की अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं और आपका जब पीरियड का ब्लड आपके कपड़ों पर आने वाला होगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपकी पैंटी पर ब्लड आ गया है, तो आप ईजीली उसको कवर अप कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डार्क कपड़े पहनेंगे तो आपने पता ही नहीं चलेगा कि आपका पीरियड का ब्लड जो है वो आपके कपड़ों पे लग गया है।
तो उतना आपने पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आपने हमेशा लाइट कलर की पैंट पहननी है। और ये मैं बता रही हूँ उन छोटी बच्चियों के लिए जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम बड़ी लड़कियाँ उम्र के साथ साथ सब कुछ इजीली सीख जाती हैं, लेकिन जो छोटी लड़कियाँ हैं उनको ज़्यादा नहीं पता है कैसे करना है क्या करना है, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लाइट पैंटी भी पहनते हैं, डार्क कपड़े भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करके थक चुके हैं, फिर भी आपके पीरियड का ब्लड आपके कपड़ों पर लग जाता है, या फिर आप जब रात को सोने जाते हैं तो आपकी बेडशीट पर लग जाता है, क्योंकि आप खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आप लेट जाते हैं ना तो जो पीरियड का ब्लड है वो नीचे की साइड आने लगता है और फिर आपके कपड़े ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपने क्या करना है, सिंपली से अपनी पैंटी लेनी है जिस पे आप नॉर्मल पैड लगाते हैं ना वैसे ही पैड लगा लेना है, और फिर आपने क्या करना है एक और पैड लेना है, उसको कट करना है और वीडियो में दिखाए गए तरीके से अच्छे से लगा लेना है। सो अगर आप इस तरीके से एक और पैड को लगा लेते हैं तो आपके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि इससे अच्छा तो हम लंबे वाले पैड यूज़ कर लें, तो गाइस कितने भी लंबे आप पैड यूज़ करें लेकिन इतना वो लंबा नहीं हो पाएगा, इतनी कवरेज आपको नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेन को लगने से रोक सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो पीरियड का ब्लड का फ्लो होता है वो 2 दिन तक थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसके बाद स्टेन लगने का टेंशन नहीं रहता है, तो इस तरीके से आप स्टेन लगने से बच सकते हैं। इस तरीके से आप आराम से निश्चिंत होकर सो सकते हैं, चल सकते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह बैठ सकते हैं। अगर आप ये वाला ट्रिक फॉलो करते हैं ना तो आपको कभी भी पीरियड के ब्लड का स्टेन नहीं लगेगा। सो प्लीज़ आप ये वाला ट्रिक यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद ये आपके लिए कितना सक्सेसफुल रहा है नहीं रहा है कि आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप और को जाना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, ख्याल रखिए।